हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू टू माय चैनल द स्टूडेंट। माय नेम सईद फरमान एंड हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास नाइन्थ की फिजिक्स। ठीक है, तो ये नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है साउंड। ठीक है, साउंड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। होप करता हूं कि उससे पहले जो भी चैप्टर्स हमने डिस्कस किए हैं, चाहे बायोलॉजी हो या फिजिक्स के चैप्टर्स हो, अच्छे से अंडरस्टैंड हो गए होंगे एंड आपने भी उनको अपने टेक्स्ट से रिवाइज कर लिया होगा, सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे। होप करता हूं ऐसा, क्योंकि हमने जिस वे से पढ़ा है मुझे लगता है ये एक रियल वे है जिसे आपको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जितना आप टेक्स्ट से बाहर जाओगे अभी तो आपके लिए डिफिकल्टी चीजें होती जाएंगी। आपके माइंड को, आपकी टेक्स्ट बुक को उस हिसाब से सेट किया जाता है कि आपके माइंड को फेवर करे। ठीक है, तो अगर हम आपको उससे ज्यादा बताएं, ज्यादा बताएं, मतलब ज्यादा बाहर जाए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। आपको अपनी कंसेप्ट, आपसे अपने कंसेप्ट भी भूल जाओगे। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि टेक्स्ट बुक के अराउंड ही मैं पढ़ाऊं और थोड़ा सा कुछ जो मुझे लगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपको अभी से थोड़ा सा उसका उसके हिंट दे दूं। ठीक है, बाकी सिंपल है, वही कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है इस नाइन्थ की फिजिक्स में। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है, जो आपको समझ में आएंगे उतना ही लिखा है। ठीक है, जितना आपको समझ में आएगा उतना ही लिखा है, बस उससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा है। तो सिर्फ एक चीज की जरूरत है, वो आपके अटेंशन, आपके कॉन्फिडेंस साइड, आपके मेहनत की। ठीक है, आपको पढ़ना है तो वही आपको समझ में आ जाएगा। तो साउंड स्टार्ट करने वाले आज नया चैप्टर है और ऑलमोस्ट आई थिंक शायद लास्ट चैप्टर भी है फिजिक्स का, नाइन्थ की फिजिक्स का। तो साउंड के बारे में आपने सुना ही होगा, दिन भर हम साउंड सुनते रहते हैं। ठीक है, बर्ड्स की आवाज, या जो अगर हेलीकॉप्टर चल रहा है तो उसकी आवाज। ठीक है, हमें बुलाया जाता है, उसकी आवाज, किसी चीज पे कोई चीज मारी जाती है तो वहां से जो साउंड निकलता है वो हम सुनते रहते हैं। दिन भर हम हंड्रेड टाइप्स ऑफ साउंड्स जो है वो सुनते हैं एंड ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, साउंड कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, कैसे ट्रेवल करते हैं, क्या चीज चाहिए होती है, किस टाइप की वेव्स है, ठीक, और साउंड की कुछ प्रॉपर्टीज, वो हम सब डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है, तो कुछ एक्सरसाइज दी गई है आपकी टेक्स्ट ने पहले स्टार्ट करने के बाद। वो पहला दिया है वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक जस्ट टचिंग द सस्पेंडेड मेटल, सो सस्पेंडेड टेबल टेनिस बॉल। ठीक है, तो साउंड आपको प्रोड्यूस करने के लिए बोला गया है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ट्यूनिंग फोक दिया गया है आपको पहले, उसके बाद ट्यूनिंग फोक को वाटर पर रखा गया है, उसके बाद वाटर में रखा गया है। तो आपसे एक्चुअली यहाँ पे बेसिकली ये पूछा जा रहा है, ये दिखाया जा रहा है कि साउंड की स्पीड डिफरेंट मीडियम्स में। ठीक है, तो ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो साउंड प्रोड्यूस करने के बहुत सारे टाइप्स, सपोज आप किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, किसी चीज को बीट करते हैं, किसी चीज को थ्रो करते हैं, तो साउंड प्रोड्यूस करने के बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, बहुत सारी वेज है जिन्हें हम साउंड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनसे आप फेमिलियर है, सिंपल है, कोई भी इसमें मसला नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक, आपको एक कैन साउंड मेक अ लाइट स्पॉट डांस, एक एक्सरसाइज टाइप का कुछ दिया गया है येलो बॉक्स में, उसमें आपको दिया गया कि कैन लो आप, ठीक है, उसको दोनों साइड से काटो, होलो बना लो, पिछले साइड से उसको जो बैक साइड है वहां से एक बलून लगाओ, ठीक है, उसके बलून से कवर करो, बंद करो, और बलून पे क्या करना है आपको एक मिरर चिपका देना है। ठीक है, छोटा सा मिरर चिपका देना है, फिर आपको क्या करना है, एक लाइट सोर्स रखना है वहां पे, और लाइट सोर्स से लाइट डालनी है मिरर पे। ठीक, मिरर से आपको रिफ्लेक्शन आई कहीं पे, उस रिफ्लेक्शन को आपको देखना है। ठीक है, आपको फिर दूसरे साइड से उस ट्यूब के जो आपने हॉलो बनाया था, जिसको एक साइड से बलून और मिरर है, फिर अगले साइड से उसमें शाउट करना है या कोई आवाज प्रोड्यूस करनी है, तो वहां पे वो जो मेम्ब्रेन है, जो बलून की जो सरफेस है, बलून की जो मेम्ब्रेन है, वो वाइब्रेट करेगी, और आपका जो मिरर है वो भी वाइब्रेट करेगा, तो उसपे जो रिफ्लेक्शन हो रही है वो भी वाइब्रेट करेगी। जो आपका स्पॉट है ना, जो आपका स्पॉट बन गया था रिफ्लेक्शन से, वो आपको लगेगा कि वो डांस कर रहा है। ठीक है, बिकॉज वो साउंड वेव वहां पे वाइब्रेशन प्रोड्यूस करेंगी। ठीक है, सिंपल है, ये भी कोई मसला नहीं है। आते हैं प्रोपगेशन ऑफ साउंड पे। ठीक है, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, साउंड कैसे ट्रेवल करता है। साउंड एक साउंड को ट्रैवल करने के लिए मटेरियल चाहिए होता है, साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, साउंड जो है उसको चाहिए मटेरियल मीडियम, साउंड नीड्स मटेरियल मीडियम। साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है।
मटीरियल मीडियम इन द फॉर्म ऑफ गैस, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब यहां पे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इन तीनों में से किस में से तेज साउंड ट्रैवल करेगा, ठीक, मैं आपको आगे जाके ये बताने वाला हूं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है। ठीक है, तो वहां पे आपको समझ में आ जाएगा क्यों सॉलिड में साउंड फास्ट जा रहा है, ठीक है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में, मतलब जो एयर है इसमें सबसे कम साउंड मतलब लेस स्पीड के साथ ट्रैवल करता है, साउंड जो है सॉलिड में ज्यादा स्पीड के साथ ट्रैवल करता है, क्यों आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा। ठीक है, साउंड साउंड जैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसके जो सामने वाले पार्टिकल्स होते हैं जिनके जो सबसे पहले इस एनर्जी को लेते हैं, साउंड एनर्जी को, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो टू एंड फ्रो मोशन स्टार्ट करते हैं, ठीक, एंड एनर्जी को ट्रांसमिट करते हैं दूसरे पार्टिकल्स को। ठीक है, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ये साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो आपने साउंड प्रोड्यूस किया तो सामने वाले पार्टिकल जो सबसे पहले पार्टिकल्स आते हैं किसके, मटेरियल मीडियम के, ठीक है, वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता, उसके लिए भी एक एक्सपेरिमेंट है, बेल रिंग, आपको बेल दी गई, ठीक है, बेल को एक जार में रखा गया, ठीक है, एक जार बोला गया आपको, जार ले लो, ऐसे जार बंद जार, उसमें बेल को रखो और बाहर आप स्विच रखो ऑन ऑफ, ठीक है, तो आपको बोला गया कि यहां पे वैक्यूम के लिए रखो, वैक्यूम यहाँ पे इससे हम कर सकते हैं काम, इससे एयर निकालेंगे बाहर, तो आप जैसे इससे एयर बाहर निकलता है यहाँ पे आप स्विच ऑन करोगे तो आपको बेल की आवाज सुनाई नहीं देगी। एक और एक्सपेरिमेंट है, आप खुद करोगे, ठीक है, सिंपल एक्सपेरिमेंट है ये प्रूव करने के लिए कि साउंड को मटेरियल मीडियम चाहिए चलने के लिए, ट्रैवल करने के लिए साउंड को एक मटेरियल मीडियम चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमने एयर को बाहर निकाला तो यहाँ पे साउंड ट्रैवल नहीं करता। फिर इसी तरह वैक्यूम में भी साउंड ट्रैवल नहीं करता, अगर आपने कोई भी मूवी देखी होगी जो एस्ट्रोनॉट्स की है, ठीक है, किसी ऊपर स्पेस में है तो उनको कुछ वो रेडियो फोन लगाए होते हैं, माइक्रोफोन लगाए होते हैं जिससे वो बात करते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली वो बात नहीं कर सकते क्योंकि एयर वहां पर नहीं होता है तो साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक, तो क्या होता है कि जैसे ही साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, साउंड एक एनर्जी है, ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी है साउंड, सॉरी साउंड एक एनर्जी है, सॉरी सोर्स बोले, साउंड एक एनर्जी है, साउंड द टाइप ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस अ सेंसेशन ऑफ हेयर, सेंसेशन ऑफ हेयरिंग, ठीक है, एक टाइप ऑफ एनर्जी है जिससे हमें सुनने की कैपेसिटी आ जाती है। जैसे लाइट को अगर आपको डिफाइन बोला करने के लिए बोला जाए तो क्या बोलोगे आप, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस इन अस अ सेंसेशन ऑफ साइट, वो एक एनर्जी है जिससे हम किसी चीज को देख पाते हैं। इसी तरह साउंड भी एक टाइप की एनर्जी है जिससे हम दूसरे को सुन पाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो जो पहले वाले पार्टिकल्स होते हैं वो उस एनर्जी को लेते हैं। ठीक है, उसके बाद टू एंड फ्रो मोशन करके एनर्जी को दूसरे पार्टिकल्स को दे देते हैं। ठीक, खुद अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं। तो इसी तरह वो एनर्जी वो पार्टिकल देते हैं, उसके बाद दूसरे पार्टिकल को देते हैं, वो दूसरे पार्टिकल्स को देते हैं, इसी तरह ट्रैवल करके एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंच जाता है साउंड। ठीक है, हाँ, तो यहां पे हमें यह बोला गया हमारे टेक्स्ट में कि सिमिलर मोशन प्रोड्यूस होती हैं, जिस टाइप की मोशन ये पार्टिकल कर रहा था जिसने पहले ही साउंड एनर्जी को लिया था, इसी टाइप की मोशन दूसरा पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, इसी तरह तीसरा पार्टिकल जिसको एनर्जी मिल रही है ऐसी इस मोशन करके ये चला जा रहा है, आगे पहुंचता जा रहा है। ठीक है, हाँ, तो हमारी जो साउंड वेव है इसमें क्या होता है, देखो मैं आपको कुछ दिखा होगा, जैसे ही साउंड जो है, ठीक है, साउंड किसी, ये मान लो माउथ है, ठीक है, माउथ है, यहां से आवाज निकल गई तो ये जो एयर पार्टिकल्स होते हैं यहां पे, ठीक है, ये थोड़े डेंस हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एनर्जी लेते हैं और ये एनर्जी की वजह से मूव करते हैं, तो ये वाला एरिया डेंस हो जाता है और उसके बाद वाला एरिया जो है ना वो थोड़ा लेस डेंस होता है। ठीक है, इसी तरह उसके बाद फिर से डेंस हो जाता है, उसके बाद फिर से लेस डेंस। मैं बताता हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं, वो सुनो यहां पे, जैसे एनर्जी रिसीव करते हैं ये पार्टिकल्स थोड़ा आपस में एक साथ कलेक्ट होते हैं, इनकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि एनर्जी रिसीव करते हैं और ये फॉरवर्ड टू एंड फ्रो मोशन ले आते हैं। ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये यहां पर थोड़ा सा डेंस हो जाता है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं, देखो ये कंप्रेशन उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन, जो लेस डेंस उसको बोलते हैं रेयर फ्रैक्शन।
पहले हम कुछ टाइप की वेव्स होती है, ठीक है। एक होती है ट्रांसवर्स वेव, दूसरी होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। पहले मैं उस पर आऊंगा, उसके बाद यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। समझो क्या होता है, पहले वेव होती है जिसमें क्या होता है, अगर वेव की डायरेक्शन ये है, ठीक है, वेव यहां से यहां जा रही है तो पार्टिकल जो है ना वो ऊपर और नीचे मूव करते हैं, ठीक है, ऐसे मूव करते हैं अपनी जगह पे ऊपर एंड नीचे, ठीक है। ये एक टाइप की वेव जिसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, मतलब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स होती है वो होती है परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, ठीक है। ये एक टाइप की वेव है। दूसरी टाइप की वेव जिसमें क्या होता है, पार्टिकल्स टू एंड मतलब बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मोशन करते हैं डायरेक्शन ऑफ वेव में, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है इसी डायरेक्शन में ये मूव करते हैं, ठीक है। ये पार्टिकल इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है फिर वापस आ रहा है, अपनी जगह पे मूव कर रहा है फिर वापस आ रहा है, ठीक है। ये जो मोशन है ना, ये जो वाली मोशन है यहां पे, इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, पार्टिकल अपनी जगह पे परपेंडिकुलर मूव करता है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है, टू द डायरेक्शन ऑफ वेव। लेकिन यहां पे जो ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव यहां पे क्या होता है, ये वेव की डायरेक्शन में ही मूव करता है, ये पार्टिकल यहां पे वेव की डायरेक्शन में ही मूव करता है। एंड ये जो हमारी साउंड वेव होती है, ठीक है, साउंड वेव जो हमारी होती है ये होती है लॉन्गिट्यूडनल, क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल। यहां पे पार्टिकल जो है वो करता है, इस ऐसे मूव करते हैं, ठीक है, बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। इससे क्या होता है, जैसे ही वो यहां पे आ जाते हैं वो इस पार्टिकल को एनर्जी दे देते हैं, खुद वापस आ जाते हैं, ठीक। इसी तरह क्या होता है, सब पार्टिकल जो यहां पे मूव करते हैं तो यहां पे एक टाइप का कंप्रेशन जनरेट होता है, ठीक है, कुछ डेंसिटी बढ़ जाती है, इसको हम बोलते हैं कंप्रेशन, सिंपल सी चीज है। उसके बाद जब यहां पे कंप्रेशन होता है तो दूसरा वाला जो उसके बाद होता है वहां पे रेयरफैक्शन होता है, मतलब वहां पे नॉर्मल एयर है, वहां पे कुछ भी नहीं हुआ है, उसको हम बोलते हैं रेयरफैक्शन, ठीक। उसके बाद ये पार्टिकल्स जब यहां इनको एनर्जी देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, यहां पे फिर से कंप्रेशन बन जाता है। जब यहां पे कंप्रेशन बन गया, यहां पे फिर से नॉर्मल रेयरफैक्शन है, ठीक। ये पार्टिकल इनको एनर्जी देते हैं, खुद क्या आते हैं, ठीक है, ये पार्टिकल इनको एनर्जी दी, खुद आते हैं रेयर फ्रक्शन में, लेकिन इनको कंप्रेशन में बढ़ा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे डेंसिटी बढ़ा देते हैं, खुद नॉर्मल हो जाते हैं। उसी तरह फिर ये पार्टिकल यहाँ पे इनको एनर्जी देते हैं, खुद रेयर फ्रक्शन में आ जाते हैं, ठीक। इसी तरह रेयर फ्रक्शन कंप्रेशन बना के ही ये जो साउंड वेव है ये मूव करती है, ठीक है, समझ में आ गया, सिंपल चीजें हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं है। लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव समझना है। सपोज वाटर में जो हम, अगर हमने कोई पेबल फेंका वाटर में, ठीक है, वहां पता क्या होता है, वहां पे ऐसे रिपल्स बन जाते हैं, ये बन जाते हैं किसमें, किस डायरेक्शन में, होल हर कोई हर किसी डायरेक्शन में इसी तरह की रिपल्स बन जाते हैं। वहां पर क्या होता है, ये जो पार्टिकल है ना ये अप एंड डाउन मूव कर रहा है लेकिन वेव यहां जा रही है, ठीक है, समझो। जैसे ही आपने कोई पेबल वाटर में फेंका, वहां पर क्या होता है, गोल गोल टाइप की रिंग साइज वेव बन जाती है, जिनकी ऐसी होती है जो ऐसे ऊपर और नीचे जाती है, ठीक है। वेव यहां जा रही है लेकिन पार्टिकल्स ऊपर एंड नीचे जा रहे हैं, यहां पे ये जो वेव है ये ट्रांसवर्स वेव है, क्या है, ट्रांसवर्स वेव। और यहां पे जो साउंड वेव है ये हम इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है, सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कोई भी मसला नहीं है, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कुछ और, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, वो प्रेशर इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम इन अ गिवन वॉल्यूम, मोर डेंसिटी ऑफ अ पार्टिकल इन द मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। प्रेशर जो है ये किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर करता है डेंसिटी क्या है मटेरियल की, डेंसिटी क्या है मीडियम की। अब अगर ये पार्टिकल्स, ठीक है, यहां पे समझना, अब अगर ये पार्टिकल्स एक दूसरे के क्लोज है तो एनर्जी देना इजी हो जाएगा, थोड़ा सा मूव करोगे एनर्जी मिलेगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, जितने ये क्लोज होते हैं, जितनी इनकी डेंसिटी ज्यादा होती है, इसी तरह स्पीड भी साउंड की बढ़ जाती है, मतलब ये जो एनर्जी है जल्दी जल्दी ट्रांसफर होती है पार्टिकल्स में, क्योंकि पार्टिकल्स आपस में क्लोजली अरेंज होते हैं। जैसे ही डेंसिटी कम होती है, मतलब पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, तो इनको ज्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, तो वहां पे उनको टाइम लगता है, तो इसी तरह यहां पे स्पीड कम हो जाती है। यही रीजन है सॉलिड में स्पीड क्यों ज्यादा होती है, गैस में कम क्यों होती है, क्यों, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स क्लोजली अरेंज होते हैं, वहां पे थोड़ी सी जैसी वो थोड़ा सा वाइब्रेट करते हैं तो एनर्जी को ट्रैवल कर पाते हैं, एनर्जी को दूसरे पार्टिकल को दे पाते हैं, जिसकी वजह से वहां पे साउंड एनर्जी फास्ट ट्रैवल करती है एज कंपेयर टू एयर एंड लिक्विड, ठीक। इसी तरह लिक्विड में ज्यादा होगा, क्यों, लिक्विड में क्लोज है एज कंपेयर टू एयर, ठीक। इसी तरह ये जो डिपेंड करता है किस पे, कि डेंसिटी कितनी है, मोर डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स इन अ मीडियम गिव्स मोर प्रेशर एंड वाइस वर्सा। Thus, propagation of sound can be visualized as propagation of density variations or pressure variations in a medium. ठीक है, सिंपल है, इसमें कोई भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मसला नहीं लिखा है।
ठीक। अब ये आपको लिखा है साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, जो मैंने आपको इससे पहले भी बोला है कि आपकी टेक्स्ट में एक टाइप का एक्सरसाइज दिया है, बेल जार लिया है, ठीक। बेल जार एक्सपेरिमेंट शोइंग साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, एक टाइप का बेल जार लिया है, ठीक है। इसमें जो है ईयर निकाला, उसके बाद बेल बजाई, तो हमने बेल की आवाज नहीं सुनी, ठीक है। जब हमने बेल की आवाज नहीं सुनी, मतलब साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं हुआ। क्यों ट्रैवल नहीं हुआ? क्योंकि हमने वैक्यूम क्रिएट किया, हमने वहां से ईयर को बाहर निकाला। जैसे ही ईयर बाहर निकाला, तो कौन से पार्टिकल्स है वो जो वहां पे साउंड की एनर्जी ले सकेंगे और उसको ट्रांसमिट करेंगे आगे? जब पार्टिकल्स नहीं है तो साउंड ट्रैवल ही नहीं करेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स ये एनर्जी लेंगे, फिर रेयर फ्रैक्शन एंड कंप्रेशन बना के वेव ट्रैवल करेगी। जब पार्टिकल्स नहीं है तो साउंड की एनर्जी कौन लेगा? दैट इज वाई इन वैक्यूम वी कैन नॉट प्रोड्यूस साउंड, और इफ यू प्रोड्यूस साउंड वी कांट हियर दैट, ठीक है। यहाँ पर साउंड को नहीं सुन सकते, क्यों? अगर साउंड यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए कोई चीज नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिट करने के लिए कोई मीडियम ही नहीं है, तो यहाँ पे आप कोई भी आवाज नहीं सुनोगे, ठीक है। समझ में आ गया, सिंपल है, ठीक। अब है हमारा नेक्स्ट, साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। हाँ, तो सिंपल है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसी तरह सपोज आपसे बोला गया है, उसके बाद ये जो पार्टिकल है डायरेक्शन ऑफ वेव में मूव करते हैं, ये जो है ये ट्रांसवर्स वाले अपोजिट में परपेंडिकुलर मूव करते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा मसला है, आपके टेक्स्ट ने इसको एक दो पैराग्राफ लिख दिया है, एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ चीजें हैं, ठीक है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे हम वेव को नापते हैं, ठीक है। अब आपके पास वेव है, तो वेव की कुछ चीजें हमें चाहिए, हमें वेव की स्पीड चाहिए, हमें वेव को देखना है कि वेव की कितनी एनर्जी है, पार्टिकल्स कितने ऊपर जा रहे हैं, कब पार्टिकल्स कितने दूर जा रहे हैं, ठीक है। या हमें ये देखना है कि वेव की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितनी जल्दी जल्दी रियर रिफ्रैक्शन से कंप्रेशन बन जाते हैं, ठीक है। ये नापने के लिए, ये देखने के लिए कुछ चीजें हैं, कुछ टर्म्स हमने डिफाइन की है वेव के लिए। सपोज हमने फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड या स्पीड जैसी टर्म्स को डिफाइन किया है एक पर्टिकुलर वेव के लिए, ठीक है। आज के लेक्चर में मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, कल हम ये सब एक साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर मैंने अभी एक डिस्कस किया तो कल में भी आपको डिफिकल्ट होगा बाकी समझने में, क्योंकि ये आपस में इंटररिलेटेड है। तो अभी के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वेव है ये आपको यहाँ पे समझना है, लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन क्या होते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव में क्या डिफरेंस है ये आपको समझना है, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, यहाँ पे पार्टिकल्स अप एंड डाउन मूव करते हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, यहाँ पे लेकिन अलॉन्ग द प्रोपगेशन डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, ठीक है। ये जो है कंप्रेशन का रियर फ्रैक्शन बनते हैं, जिनकी वजह से ही साउंड की वेव आगे ट्रैवल करती है, ठीक है। साउंड नीड्स अ मटीरियल मीडियम टू ट्रैवल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइट जो है, ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और वो बिना मीडियम की चलती है। लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, ठीक है, लाइट को मीडियम नहीं चाहिए, वो वैक्यूम से ट्रैवल करके अर्थ तक पहुंच जाती है। लेकिन साउंड जो है, साउंड को मटीरियल मीडियम चाहिए, ठीक है, साउंड को मटीरियल मीडियम चाहिए ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। सिंपल चीजें हमने आज डिस्कस की, बहुत ही मतलब मुझे लगता है बेसिक्स है, तो एक बार टेक्स्ट से पढ़ लोगे तो आपको जो भी चीजें रह गई होंगी तो वो आराम से आपको क्लियर हो जाएंगी। कुछ नहीं है, सिंपल है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं भरा है इसमें। बाकी आज के लिए फिर इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, स्पीड एंड कुछ और चीजें जो उसमें हमें आएंगी, वेव नंबर है एटसेट्रा, वो भी डिस्कस करेंगे। बाकी अभी के लिए इतना रहने देते हैं, वीडियो को शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है, अपने जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको ही चैनल के बारे में बोल देना है। बाकी आज की हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्सेट्रा पे, वो तो पता ही है आपको। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लॉट।